ये देखिए अपना ये वीडियो चला गए, ये लगी हुई मटर छीलने में। और हम नॉर्मली साढ़े छः बजे हम डिनर कर लेते हैं। ये देखो अब टाइम हो रहा रात के 7:30। आपने मुझे कहाँ भेजा था ये बताओ पहले, रेंट देने के लिए। ये 7:30 बजे पूछ रही है कि नहीं, अभी भी इसने पूछा है कि शर्मा जी क्या खाओगे। एक तो आपकी पसंद का बना रही हूँ, आलू पूछ रही हूँ कितनी शरीर पतनी हो, आलू ऐसा नहीं किया कि ऐसी दाल रोटी वैसी पकड़ा दी, आलू गोभी बना लूँ। और फिर अब बोल रही है कि चलो आलू गोभी छोड़ी पुलाव बना देती हूँ। पुलाव आपकी पसंद का है, पुलाव खाने है ना तो जाके चावल धो लो पहले। फोटो लगाई नहीं आपने यूट्यूब पे, एडिटिंग करो, घर के बर्तन मांजो, पुलाव बनाओ। बर्तन कौन मांज रहा, बर्तन मांजने वाली है, ज्यादा नाटक मत करो। आपने काम किया, मम्मी की फोटो ले आई लगाई, माता जी की फोटो भाई कल नहा धो के साफ सुथरे हाथों से, माला भी लानी है तभी लगाएंगे। माता जी पिता पापा जी को तो लगा दो, माता जी पिता जी दोनों पैक हैं अभी, पापा जी को लगा दो, पापा जी की तो लगा लेते हैं, तो माता जी की भी लगा देंगे, अभी लगा दो कुछ नहीं होता। चावल धोने की जिम्मेवारी मेरी लगा दी गई है, प्याज मेरे को काटनी है, और कह रही है आलू भी आप ही काट लेना क्योंकि वो सोयाबीन नहीं है घर में, सोयाबीन की बड़ी लेने जा रही है। सोयाबीन किसने मंगवाई है ये बताओ पहले। सोयाबीन की बड़ी भी कह रही है मेरे को स्वाद लगती है, मैं भूल गई थी ले आती हूं। कितना झूठ, कितने झूठे, सोयाबीन खुद को खानी है भाई, इसीलिए बोलते हैं सारे काम आने चाहिए। और अब बीवी बोल देगी तो क्या काम नहीं करोगे, करना तो पड़ेगा वरना भूखे मरोगे फिर। नहीं यार बीवी बोले या ना बोले, देखो छोटे मोटे काम, अब मान लो ये नहीं होती कुछ, कोई कहीं चली जाए, कोई बात हो जाए, तो अपना मनपसंद आदमी बना के खा सकता है। मैं तो हमेशा से बोलता हूँ, पहले भी वीडियो में बोला है कि भाई लड़कियाँ तो देखो मजबूरी में आज नहीं तो कल सीख ही जाएंगी, लड़कियों से भी ज़्यादा ज़रूरी है लड़कों को खाना बनाना आना चाहिए, कम से कम अपनी पसंद की चीज़ें। मेरे को ये सारे प्याज काटते वक्त बड़ी दिक्कत होती है, जरा सी भी चरचरी हो तो सीधी आंखों में लगती है, ये होता है भाई मिलजुल के काम करने का। वहाँ सोयाबीन की बड़ी उबल रही है, आके लगा दिए, मैंने आलू और प्याज काट दिए। पत्नी की सेवा करोगे तो मिलेगी मेवा। देख लो ऐसी बीवियां हो तो सारे पतियों का उद्धार हो जाए। हाँ जी, कौन सी गाड़ी लेने की सोच रहे हो? ये ना ऐसे बैठी हुई थी, ये झल्लो है, है? सोच रही हूँ ली थोड़ी ना है। कौन सी वाली, ऐसे क्या सोच रही है? अभी इसकी भी एक बात बताती हूँ मैं, रुको ना एक बार। अच्छा स्टाइल मार के आई अभी। नहीं कौन सी गाड़ी की सोच रही है? टेस्ला। देखा पापा के पास टूटा स्कूटर और ये टेस्ला। टूटा स्कूटर है ले, नहीं नहीं होंडा है, शिवांगी पैसे दे दो कुछ। आप कैमरा में भी मांगी जाए करो। देखो मम्मी की फोटो ना कहाँ रख दी है, अभी एडिटिंग टेबल पे ही रख दी है, कह रहे कारपेंटर आएगा प्रॉपर तरीके से ड्रिल होगी, फिर पापा जी के साथ मम्मी की फोटो लग जाएगी। देखिए इसके गाने ना कभी बंद नहीं होते। इतना शौकीन है, देखिए मोबाइल कहाँ लगा रखा तूने, देखो इसने मोबाइल कहाँ लगा रखा है, ये गाने सुन रहा है ऐसे, है ना? ये है रियल फोग, इतना खतरनाक मौसम हो रहा है ना पूछो मत, बिल्कुल डराने वाला। शर्मा जी आपके लिए 3 पैंट पहनने का टाइम आ गया। जब इसको बोलता था भागले भागती नहीं थी, अब बेमतलब में भाग रही है। पहले ये मेरे को भगाते थे, अब मुझे खुद चिंता हो रही है, पहले 58 में मुझे सेटिस्फेक्शन था, अब 5 किलो बढ़ के आया है, 52 हो गया है,
तब अब पहले लगता था कि नहीं थोड़ा बढ़ जाए, अब 5 किलो बढ़ गया ना तो लग रहा नहीं नहीं वापस वहीं पहुंच जाऊंगा 48 पे ही। आप यहीं रहते हो यहीं पे? नॉर्मली हम भाई इस टाइम पे आते नहीं है कभी ना, नहीं इस टाइम पे नहीं आते, अकेले में आते हैं रात को, आपको पता भी है। हाँ, पर इस टाइम का एक अलग आनंद है, रश तो होता है इस टाइम, लेकिन जो मंदिरों की और भजन की आवाज आती है ना घंटियों की और आरतियों की, वो एक अलग सा सुकून देती है। उतनी तेज उतना रश तो नहीं है आज भी, पर यह की राफ्टिंग वाफ्टिंग वाले तो आ जा रहे हैं, पर परमार्थ निकेतन की आरती इधर हमारे आस्था पथ पे जो है इधर शत्रुघ्न घाट पे है, अलग ही आनंद देती है। आज है 13 दिसंबर, दिसंबर तो भाई हो सकता है कि कल हम उस परमार्थ निकेतन की आरती आपको थोड़ी बहुत कवर करें। थोड़ी बहुत क्या, जब जाएंगे तो पूरी कवर करेंगे। हाँ नहीं नहीं, हम मतलब वहाँ पे दिखा देंगे परमार्थ निकेतन, तो आपको वो देखने को मिलेगी 15 तारीख को। 6 बजे हमारी सोसाइटी के यहाँ पे है ना गंगा जी आरती से पहले बोलने वाले मंत्रोच्चारण चल रहे हैं। अच्छा, परमार्थ निकेतन की आरती खत्म हो चुकी है, अब यहाँ की चल रही है, यहाँ की शुरू होगी अभी आज ही इसने है ना। मैंने आज मोनी बाबा को फोन किया कि आप हो, पहले ही पता लगा था कि वो है नहीं मोनी बाबा के शिष्य को, तो आज फिर मैंने किया, मैंने कहा आप हो के नहीं तो वो कहीं गए हुए हैं, तो उन्होंने कहा कल या परसों मैं आ जाऊंगा, तो फिर उन्होंने बोला कि मैंने देखा था आपका स्टेटस कि आपने मतलब मम्मी की फोटो लगा रखी थी माता जी की कि वो नहीं है। मैंने कहा हाँ जी, फिर मैंने यही बोल दिया, मैंने कहा स्वामी जी सबको आना है जाना है, तो उन्होंने एक बात बोली जो मेरे दिल को छू गई कि जब कोई पैदा होता है तो हम बड़े ढोल नगाड़े और खुशी होके उसको मनाते हैं, मतलब उनके जन्म का सेलिब्रेशन करते हैं, लेकिन जो कोई जाता है ना तो हम रोते पीटते हैं, उसकी आत्मा को शांति से नहीं जाने देते, उसको कह रहे कि मुक्त नहीं होने देते, मुक्त नहीं होने देते उसकी आत्मा, भाई जाने दो, वो उनके शरीर तो रह गया, शरीर तो यही रह गया ना, आत्मा को जाने दो, प्यार से जाने दो। वो कह रहे कि जितने हम तड़फते हैं ना आंसू, वो और तो और ये बोलते हैं कि जो हम आंसू बहाते हैं वो उनको पीने पड़ते हैं, मतलब वो उतने कष्ट भी झेलते हैं। इसी बात पे मेरे को एक बात याद आ गई, मेरी कजन सिस्टर है वो रोती रहती थी अपनी मम्मी के लिए, रोती रहती है अभी भी, तो चार पाँच साल हो गए उसकी मम्मी जल्दी एक्सपायर हो गई थी शादी के मतलब बाद, जब भी वो कनाडा रहती है, वो कनाडा रहती है, तो उसने मेरी बेटी को खुद बोला कि उसके सपने में उसकी मम्मी आई और बोली तू मुझे शांति से जाने देगी कि नहीं जाने देगी। तो देखिए उसने वहाँ फोटो भी लगा ली थी, मैं गई थी तब उसने फोटो भी बड़ी लगवाई थी अपनी मम्मी की, फिर उसने फोटो भी, मैं फोटो उठा के मत रखो लेकिन इतना मत ये भी देखो कि वो आत्मा है आपकी, आप उसको कष्ट पहुंचा रहे हो। नहीं हमने भी देखिए माता जी के लिए यही प्रार्थना की थी कि देखिए अगर उनको कष्ट होना है इस शरीर के अंदर तो बेशक यहाँ से चले भी जाएं तो भगवान के चरणों में जाएं, हमें कोई दुख नहीं हो, पर यार माता का दुख तो यार वो कभी पूरा नहीं हो सकता, लेकिन यह है कि उनकी आत्मा के कोशिश लिए करेंगे यार कम से कम दुख मनाया जाए शांति के लिए कि वो जहाँ भी रहे, अगर आत्मा ऊपर से हमारे पेरेंट्स ही हैं देख रहे हैं तो सबसे पहली बात तो देखिए माता बच्चा चाहे कितनी शरारत भी कर दे ना उसके बावजूद माँ बाप को उसके दुख में कष्ट होता है, तो भाई अब दुखी होने की कम से कम कोशिश करेंगे ताकि वो शांति से रह सके जहाँ भी है। तो भाई बेटी ने कैमरा पहले लगा दिया था हमने फोन कर दिया था उसको कैमरा ऑन कर दिया। भाई आज गंगा जी हम पहले चले गए हैं, शर्मा जी की दो लेयर की वो कुछ नहीं है, एक इनर पहन रखा है एक पैंट, और अभी ना अभी इनकी एक ब्लैक पैंट और एक ग्रे पैंट आने वाली है जो कि हम स्नो में जो पहन, वो केदारनाथ जी में मैंने पहनी थी, इन्होंने तो डबल ट्रिपल लेयर मोटी और पहन ली। पता नहीं मेरे को ना ऊपर से ज्यादा पैरों में बहुत ज्यादा ठंड लगती है, ठंड मेरे को ज्यादा लगती है, क्या कर सकते हैं थर्ड ग्रेड के आदमी हम। और एक भैया ने ना बाल दरोगा भैया, उन्होंने बोला कि अपनी पत्नियों भाई नौकरी पेशा पत्नियों को ही बोलो, तो भाई मैं पत्नियों और पति दोनों को बोल रही हूँ अपनी पत्नियों का ध्यान रखे और पत्नियां जो है वो अपने पतियों का ध्यान रखे सबका, यार सबका ध्यान रखो। देखिए परिवार में जरूरी नहीं है खास ब्लड रिलेशन ही होते हैं हस्बैंड वाइफ बच्चे वगैरह, अपने दोस्तों वगैरह जिससे भी आप प्यार करते हो यार सबका ख्याल रखो, मिलते रह करो यार, बात कर लिया करो ज्यादा ईगो में कि वो क्यों करे मैं क्यों करूं, हम भी लगे रहते हैं। पर होता क्या है ना हम फेसबुक पे तो कमेंट कर देंगे वेरी गुड पर फोन उठा के बात नहीं करते, फेसबुक पे आता है ना हस्बैंड भाई ऐसे करके फोटो खिंचवाते हैं बाद में चप्पलों से लड़ रहे होते हैं।
तो भाई वीडियो ने ज्यादा लंबा हो जाएगा इसके भाषण, इस वीडियो को ना यहीं खत्म करते हैं। वीडियो अगर पसंद आया हो तो उसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दीजिए। हर हर गंगे हर हर महादेव।